वेलकम बैक गाइस। हमारा न्यू नेट भी चल रहा था, उसका लेक्चर 1 मैंने लगा दिया है अपने पेज पे ऑलरेडी, एंड दिस इज़ लेक्चर 2। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगेन मैं हमेशा कहती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जाकर पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स कंटिन्यू टू आवर टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टोटली रिलेटेड टू ब्रेन, ठीक है। तो हम इसमें बेसिकली जनरल टर्म्स पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें देखेंगे जो ब्रेन से रिलेटेड बहुत मेजरली डिस्कस हुई हुई हैं इस पूरी बुक में। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल ब्रीफ सा इस चैप्टर को मतलब बेसिक नहीं, ये जो चैप्टर है ये पूरी बुक का ओवरव्यू है, सही है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इसका ओवरव्यू ही ले लेना है, जहाँ तक हमें समझ आ जाए ठीक है, नहीं आती दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, हम इसे आगे डिस्कस कर लेंगे सारा एक एक पार्ट को जब डिटेल में, तो हमें ये क्लियर हो जाएगा, सही है। तो बट स्टिल वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम यहाँ पर भी मेजरली सारा कंसेप्ट क्लियर कर लें। तो ब्रेन में हमें कहते क्या हैं, द ब्रेन लाइज इन द क्रेनियल कैविटी। हमें पता है हमारे पास स्कल होता है, स्कल के अंदर जो कैविटी मौजूद होती है उसमें हमारे पास ब्रेन पड़ा होता है, और उस कैविटी को हम क्रेनियल कैविटी कहते हैं, एंड इज कंटिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड टू द फोरामेन मैग्नम। अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा देखें, ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये क्रेनियल कैविटी में ब्रेन पड़ा हुआ है, नीचे वाली साइड में यहाँ पे आते हैं ना, तो यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन में फोरामेन मैग्नम है। आप लोगों ने जो स्कल है उसके एनाटॉमी पढ़ी होगी, एंड यू ऑलरेडी नो कि हमारे पास जो ऑक्सीपिटल बोन है उसमें फोरामेन मैग्नम है, और वहाँ से ब्रेन कंटिन्यू हो जाता है एज ए हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं, एज शोन इन द फिगर इट इज़ सराउंडेड बाय द ड्यूरा मैटर, आर्कनोइड मैटर एंड पियर मैटर। जैसे मैंने पीछे आपको स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ाते हुए भी बताया था कि ड्यूरा मैटर, आर्कनोइड मैटर और पियर मैटर, ये इन तीनों को लेयर्स ने इन्हें सराउंड किया हुआ होता है, तो इसी तरीके से ब्रेन को भी इन्हीं तीनों लेयर्स ने स्पाइन सराउंड किया होता है। द थ्री मिनिंजेस आर कंटिन्यूस विद द कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिंजेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अगेन जैसे हमने पढ़ा था, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड पे थ्री लेयर्स होती हैं, ड्यूरा मैटर, आर्कनोइड मैटर और पिया मैटर। इसी तरीके से यही तीनों लेयर नीचे से ही कंटिन्यूस होकर आ रही होती हैं ऊपर वाली साइड पर, वहाँ पे आके भी हमारे ब्रेन को इसी तरीके से प्रोटेक्शन देती हैं। ये बच्चे वाली बातें हैं, आई होप ये आप सबको पता होंगी। दीज थ्री मेनिंजेस आर कंटिन्यूस विद द सराउंडिंग मेनिंजेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड सराउंड्स द ब्रेन इन द सब आर्कनोइड स्पेस। हमें पता था कि जो ड्यूरा मैटर और आर्कनोइड मैटर है इनके दरमियान में हमारे पास सब आर्कनोइड स्पेस होती है, और सब आर्कनोइड स्पेस में हमारे पास सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, ये भी हमने पहले देख लिया था। नेक्स्ट कह रहे हैं, द ब्रेन इज कन्वेंशनली डिवाइडेड इंटू द थ्री मेजर डिविजन्स। कन्वेंशनली मीन्स कि अगर हम मेजरली या अपनी कन्वेंशन के तौर पर जिस तरह हमने ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जिनका मीनिंग भी वही होता है, जैसे समटाइम्स एनाटॉमी या हम मेडिकल फील्ड में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स पढ़ते हैं जिनका मीनिंग वो नहीं होता लेकिन वो उस चीज़ के लिए वहाँ यूज़ हो रहे थे, बट कन्वेंशनली मीन्स ये होता है कि वो वर्ड भी वही मीन रखता है जिस काम के लिए वो यूज़ हो रहा है। तो फोर ब्रेन यानी कि फ्रंट वाली साइड पे, हाइंड ब्रेन जो पीछे बैक साइड पे होता है बिहाइंड से निकला ये वर्ड, और मिड ब्रेन जो दरमियान में होता है इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है ऊपर ऊपर, जैसे जैसे हमारे हाइंड ब्रेन सबसे पहले आता है, उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद मिड ब्रेन होता है, और उसके बाद फिर हमारे पास सबसे ऊपर वाले लेवल पे फोर ब्रेन होता है। द ब्रेन स्टेम रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी इसी टॉपिक पे होगा। ब्रेन स्टेम क्या है, हमारे पास एक कलेक्टिव टर्म है मेडुला ऑब्लोंगेटा, बोन्स और मिड ब्रेन। यहाँ पे जब हमारे पास इधर दिखाती हूँ, ये देखिए इस पिक्चर में, ये जब स्पाइनल कॉर्ड है ना हमारे पास, ये जो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर एंड होती है, स्पाइनल कॉर्ड से जस्ट ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ है मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ठीक है। मेडुला से ऊपर हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट हो, ये मेडुला आ गया, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास पोन्स होता है, और ये जो चीज़ जिसने हम ऊपर वाली चीज़ से कनेक्ट किया हुआ था ये मिड ब्रेन होता है। ये जो तीनों चीज़ें हैं, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमारे पास बनाती हैं क्या, ब्रेन स्टेम। और इस पर बड़ा डिटेल टॉपिक है, आगे लेक्चर भी है, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा ब्रेन स्टेम क्या होती है। यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए, ये तीन मेजर स्ट्रक्चर्स मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, जो जिनमें से पोन्स और मेडुला क्या है, हमारे पास हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं, और मिड ब्रेन हमारे पास एक ब्रेन का मेजर पार्ट डिवीजन है, ठीक है। और ये हमारे पास किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, हमारे पास ब्रेन स्टेम की। इस वर्ड रिमेन्स आफ्टर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स एंड सेरिबेलम आर रिमूव्ड। गेम नई बात है, हमें पता है फोर ब्रेन में क्या होता है, हमारे पास सेरिब्रम और सेरिब्रम के हमारे पास ऊपर क्या नीचे क्या पड़ा हुआ होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में दिखा दिया था।
तो थैलेमस हाइपोथैलेमस तो सेरिब्रम के नीचे चला गया, तो सेरिब्रम वाला पार्ट ऊपर से निकाल दें और नीचे से हमारा सेरिबेलम निकाल दें, जो ये जो हमारे पास डायग्राम है इसकी साइड पे सेरिबेलम, ये पोंछ सेंटर में होता है, सेरिबेलम इसकी साइड पे यूं पड़ा हुआ होता है दोनों साइड्स का लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो वो सेरिबेलम निकाल दो, ऊपर से सेरिब्रम निकाल दो, तो जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर ब्रेन में बचेगा दैट इज ऑल ब्रेन स्टेम विच कंटेन्स मिड ब्रेन पोंछ एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइंड ब्रेन, जिसको मैंने बता दिया इसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक मेडुला होता है, दूसरा बोन होता है, फिर हमारे पास सेरिबेलम आ जाता है। मेडुला को अगर हम बढ़े, मेडुला ऑब्लोंगेटा इज कॉनिकल इन शेप, ये अगेन इधर इतना क्लियरली नजर नहीं आ रहा, ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि ऑलमोस्ट ये इस डायरेक्शन में इस तरीके से पड़ा हुआ है। तो ये क्या है हमारे पास, एक कॉनिकल शेप है मेडुला की, कनेक्ट द पोन्स सुपीरियरली टू द स्पाइनल कॉर्ड। देखो पोन्स को सुपीरियरली, इसके ऊपर क्या है पोन्स, पोन्स को सुपीरियरली कनेक्ट कर रहा है किससे, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। एंड इन्फीरियरली इट कंटेन्स कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, ओके, एंड स्पाइनल कॉर्ड इन्फीरियरली, सुपीरियरली हमारे पास किससे कनेक्टेड है पोन्स से, और इन्फीरियरली हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से, ऐसे ही है मेडुला। उसके बाद लिखा हुआ है इट कंटेन्स मैनी कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स कार्ड न्यूक्लियाई एंड सर्व एज ए कॉन्डुइट फॉर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व फाइबर्स। पहले यहाँ पे वर्ड हमें पता है न्यूक्लियाई, क्योंकि जैसे हमने जनरल एनाटॉमी में एंटीरियर पोस्टीरियर मेंटल डोर्सल पढ़े थे ना, उसी तरीके से ब्रेन एनाटॉमी की जनरल एनाटॉमी कुछ डिफरेंट है। इसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे आएंगे जो हमने जीए में नहीं पढ़े थे एंड और बहुत ही बेसिक एक या दो चीज़ों के डिफरेंस है, वो पूरा एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है। तो हमने ये साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या होता है हमारे पास, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। जैसे हमें पता है न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारी न्यूरॉन्स की जो एक्सोन्स होती हैं, जैसे बहुत सारी न्यूरॉन्स आ रही थी, ऊपर इनकी सेल बॉडीज पड़ी हुई हैं, ठीक है, और ये इनकी नीचे एक्सोन्स आ रही थी। बहुत सारी न्यूरॉन्स की जब सेल बॉडीज किसी भी उनका पोर्शन, सॉरी हमारे पास जो एक्सोन्स हैं, पूरी एक्सोन का ये जो फाइबर्स है, इस फाइबर्स में कोई भी स्पेसिफिक पोर्शन, ये सपोज कर लें आप, ये सपोज कर लें, कोई भी स्पेसिफिक पोर्शन जहाँ पर उन सारी न्यूरॉन्स ने एक कलेक्शन बनाई होती है, एक मेजर सरेजर बनाया हुआ होता है। देखिए ये मैं हमारे पास क्या है, सेल बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, ये नीचे इनकी क्या आ रही हैं एक्सोन्स। ये जो एक्सोन्स फाइबर्स है ना, ये किसी भी इसका टर्मिनल प्रॉक्सिमल या इनका मिडल वाला कोई एक स्पेसिफिक पार्ट होता है, यहाँ पे इन सब ने इकट्ठे एक कलेक्शन ही बनाई हुई होती है, जिसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। दैट्स इट, बस इतना सा कन्फ्यूजन है न्यूक्लियस की। यहाँ पर मैं इसको इसलिए इतना बता रही हूँ क्योंकि अगर हमें ब्रेन स्टेम पढ़नी है तो उसमें ब्रेन स्टेम में ये चीज़ें बार बार डिस्कस नहीं होंगी, तो अभी यहाँ पर हम अपना क्लियर कर लेंगे कंसेप्ट के व्हाट इज द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो हमारे पास मेडुला होता है, इसके पास कलेक्शन होती है न्यूरॉन्स की, जिसको मैंने आपको बता दिया न्यूक्लियाई होती है कहलाती हैं, एंड सर्व एज ए कॉन्डुइट। कॉन्डुइट मीन्स एक चैनल के तौर पे काम करती है फॉर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व फाइबर्स। हमें पता है स्पाइनल कॉर्ड से असेंडिंग फाइबर्स आ रही होती हैं, डिसेंडिंग फाइबर्स आ रही होती हैं, तो उनको एक चैनल देती है, उनको एक रास्ता, एक पाथवे देती है कि वो ब्रेन से जाएँ, ब्रेन तक चले भी जाएँ और ब्रेन से वापस भी आ जाएँ। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है हमारा पोन्स का। पोन्स का जो लिटरल मीनिंग है ये है ब्रिज का, तो इसी से मतलब समझ आ रहा है। अगर आपको अगेन वही पिक्चर दिखाऊँ भी मैं, तो ये देखें मेडुला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ना हमारे पास, और मिड ब्रेन या ऊपर वाला सारा ब्रेन, इस दोनों के दरमियान में कनेक्शन हमारे पास या ब्रिज का काम कौन कर रहा है, हमारे पास पोन्स कर रहा है, सही है। पोन्स, द पोन्स इज सिचुएटेड ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द सेरिबेलम। मैंने आपको बताया, ये देखें यहाँ पे ये दोनों साइड पे सेरिबेलम पड़ा हुआ है, और इसके एंटीरियरली इसके आगे वाली तरफ क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, पोन्स। ये सेरिबेलम है, ये इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये सेरिबेलम है और इसके आगे एंटीरियरली, ये दोनों थोड़े से पीछे वाली साइड पे होते हैं, थोड़े से डिप्रेशन में यानी कि मुड़े हुए होते हैं, और ये पीछे हमारे पास एंटीरियरली पोन्स पड़ा हुआ होता है। इन्फीरियर टू द मिड ब्रेन, अगेन वही बात है, मिड ब्रेन के नीचे पड़ा होता है, इन्फीरियर है, और उसके बाद हमारे पास एंड सुपीरियर टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये भी मैंने देख लिया कि पोन्स सुपीरियर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा से, ठीक है। यहाँ अगर आपको पिक्चर से क्लियर नहीं हो रहा तो आगे हम इसकी बड़ी साफ सुथरी क्लियर सी पिक्चर्स देखेंगे, उससे हमें बड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वो कहते हैं द मेडुला ऑब्लोंगेटा द पोन्स और ब्रिज डिराइव्स, अच्छा, द पोन्स और ब्रिज ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसवर्स फाइबर्स ऑन इट्स इंटीरियर स्पेक्स कनेक्टिंग द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ये देखें ये जो हमारे पास पोन्स है ना, इसके ऊपर बहुत सारी फाइबर्स लगी हुई होती है, बहुत सारी फाइबर्स होती है, ठीक है, और ये फाइबर्स हमारे पास एंटीरियरली क्या कर रही होती हैं, पीछे दोनों जो सेरिबेलम है उनको कनेक्शन भी प्रोवाइड कर रही होती हैं, यानी कि इसका पूरे हमारे पास ब्रेन में कनेक्शन का ही मेजरली काम है। ऑन द एंटीरियर पर कनेक्ट इट आल्सो कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व फाइबर्स। अगेन क्योंकि देखो
यहाँ पर भी जो फाइबर्स आ रही थी मेडुला तक गुजरी थी, वहाँ उन्होंने न्यूक्लियस बनाया हुआ था, तो उन्हीं के कुछ न्यूक्लियस के पार्ट्स पोन्स में भी आकर उन्हीं की फाइबर्स के कुछ ट्रैक्स जो हैं, फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास जब हमारे पोन्स तक पहुँचे वहाँ पर भी वो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करते हैं, और वो अगेन वो भी ब्रेन के ऊपर हमने पार्ट्स अगर सेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्स को पहुँचाना होता है तो उनको रास्ता दे रहे होते हैं। अगर आपने स्पाइनल कॉर्ड के असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्स फिजियोलॉजी में पढ़े हैं तो वेरी गुड, और अगर नहीं पढ़े तो वो अब आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे ही। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, असल में ये ट्रैक्स क्या होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से कुछ फाइबर्स हैं जो असेंड करती हैं टूवर्ड्स द ब्रेन, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड नीचे है, हमारा जो ब्रेन है वो ऊपर है तो वो ऊपर वाली साइड पर जाती है, इसलिए उन्हें असेंडिंग ट्रैक्स कहते हैं। और इसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड से कुछ ऐसी फाइबर्स हैं, कुछ नर्व हैं जो नीचे वाली तरफ जाती हैं बॉडी की तरफ, जिनको हम डिसेंडिंग ट्रैक्स कहते हैं, और वो असल में बेसिकली ब्रेन से होकर आ रही होती हैं, जिनको वापसी पर जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रही होती हैं वो भी सारी डिसेंडिंग होती हैं। हमारे पास मेजरली इस तरह की पांच फाइबर्स ट्रैक्स हैं जो असेंडिंग में डिस्कस होते हैं, और दो हैं जो हमारे पास डिसेंडिंग में डिस्कस होते हैं। जो असेंडिंग वाले ट्रैक्स होते हैं ना, उनमें हमारे पास क्या होता है कि रिले एक पूरा कनेक्शन होता है, कुछ फाइबर जाती हैं फिर अगले सेंटर पर रुकती हैं, उनके पास एक लेवल्स होते हैं, लेवल्स पर रुकती हैं, अगले लेवल पर जाती है, अगले लेवल पर जाती है। देखो ना, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पोर्शन है, तो डिफरेंट पोर्शन में रुकते हुए उनका डिफरेंट लेवल बनेगा। अब मेडुला का लेवल है, पोन्स का लेवल है, सेवरी वेलम का है, मिड ब्रेन का है, और स्पेसिफिक फाइबर स्पेसिफिक डायरेक्शन में मुड़ती हुई जाएंगी, तो वो सारे हमने ट्रैक्स पढ़ने हैं। तो अगर मैं बार बार फाइबर्स ट्रैक्स यूज़ करूँगी तो आपने बस इतना अभी फिलहाल के लिए याद रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड से कुछ फाइबर्स आ रही हैं, ठीक है, उन फाइबर्स की जो एक्सोन्स हैं वो जहाँ पर मेडुला में जब वहाँ पे कलेक्शन एज ए इकट्ठी होती हैं तो वहाँ पे वो कुछ न्यूक्लियस बनाती हैं, न्यूक्लियाई भी जिन्हें हम कहते हैं, इसी तरीके से पोन्स में बनाती हैं, देन अगेन मिड ब्रेन में भी बनाएंगी। और इनका मकसद क्या होगा, असेंडिंग ट्रैक का फंक्शन, हमारे मैसेज को ब्रेन की तरफ लेके जाना, और दूसरे का होगा लेकर आना, सही है। तो आई होप इतनी सी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है फिलहाल, और इसमें भी वही असेंडिंग डिसेंडिंग फाइबर्स आ रही हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी आप डायग्राम को थोड़ा सा मेरे साथ रिवाइज कर लें, ये देखें सबसे पहले हमारे पास ब्रेन पड़ा हुआ है, ये सेरिबेलम है, ठीक है, ये हमारे पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट है उसका ब्रेन का। तो देखें सेरिबेलम मैंने बताया ना, देखें पीछे वाली साइड पर सेरिबेलम पड़ा हुआ है, इसके अगर हम एंटीरियर व्यू ब्रेन का देखेंगे तो इसके आगे हमारे पास क्या नज़र आएगा, हमें पोन्स आएगा, पोन्स के नीचे मेडुला होगा और पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन होगा, तो ये पोस्टीरियर व्यू है। उसके बाद हमारे पास ये स्पाइनल कॉर्ड है, C1 से C8 तक होती है, फिर थोरेसिक हमारे पास पार्ट आ जाता है, फिर L1 के लेवल पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाती है, उसके बाद ये हमारे पास चला जाता है हमारे पास फाइलम टर्मिनाले तक, और ये कॉनस मेडुलारिस आ जाता है, दिस इज़ कॉनस मेडुलारिस, ठीक है, और ये फाइलम टर्मिनाले है जो इसके नीचे तक फाइबर्स आती हैं, ठीक है, और सब आर्कनोइड स्पेस जहाँ तक हमारे पास चलती है ख़त्म होती है, ये उसका लेवल S1 होता है। ये सारी चीज़ें पीछे हमने पढ़ ली हैं, बस यहाँ एक बेसिक सी रिवीजन है। और ये स्पाइनल कॉर्ड को हम ज़रा क्रॉस सेक्शन और टॉप व्यू से देखेंगे, तो ये सबसे आउटर मोस्ट हमारे पास ड्यूरा मैटर होती है, फिर आर्कनोइड होती है, पिया होती है, ड्यूरा और आर्कनोइड के दरमियान में हमारे पास सब आर्कनोइड स्पेस, और उसमें हमारे पास वीनो के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पड़ा होता है। ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ये इसका वाइट मैटर है, ग्रे कमिशर है, दरमियान में सेंट्रल कनाल है, ये इसे पोस्टीरियर रूट्स निकल रही हैं, ये एंटीरियर रूट्स हैं, ये दोनों मिलती हैं जब तो स्पाइनल रूट बना देती हैं। पोस्टीरियर रूट में कलेक्शन पड़ी होती है सेल बॉडीज़ की, जो भी पोस्टीरियर से निकलने वाली मोटर फाइबर्स होती हैं उनकी सेल बॉडीज़ की कलेक्शन होती है, इस जगह को हम रूट गैंग्लियन कहते हैं। अच्छा, जब भी कलेक्शन आएगी सेल बॉडीज़ की तो वो गैंग्लियन, जब फाइबर्स की कलेक्शन आएगी तो वो न्यूक्लियस होता है, तो ये भी एक ज़रा बेसिक सा डिफरेंस था, ठीक है। और ये इसके अंदर कुछ लिगामेंट्स भी होते हैं, इसको स्ट्रेचिंग वगैरह के दौरान इसको मूवमेंट इसकी इस तरीके से करवाने के लिए कि ये हमारे पास इम्पेजमेंट में ना चली जाए। ड्यूरा एंडक्राइन मैटर है, कॉनस मेडुलारिस है, फर्स्ट लंबर स्पाइनल नर्व है, क्वाडा इक्वाइना है, ये सारी चीज़ें हमने जो मैंने हाईलाइट की हैं जैसा अभी आप वही ले देख लें, और जहाँ तक आके ये सारी फाइबर्स एड कर जाती हैं, दैट इज़ फाइलम टर्मिनल, सही है। अगेन ये पिक्चर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बड़े क्लियरली समझा दी थी, ये इसका ज़रा साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है, ओके। यहाँ पे हम थोड़े से ब्रेन के लोब्स को देखेंगे, हमें पता है वो पार्ट जो ब्रेन के फ्रंट वाले रीजन में आता है, तकरीबन फ्रंट वाले रीजन में, दैट इज़ फ्रंटल लोब, वो हमारे पास क्या कहलाता है, फ्रंटल लोब, जो हमारे बिल्कुल सर के ऊपर, हमारे सर के ऊपर इस तरीके से दो यूं बोन्स होती हैं, ठीक है, ये सर के ऊपर दो बोन्स होती हैं, ये हमारे पास कहलाती है पैराइटल बोन, पैराइटल लोब कहलाता है इसके नीचे, पैराइटल बोन के नीचे, ठीक है। और जो ऑक्सीपिटल बोन के साथ पीछे वाली साइड पे होता है, ये ऑक्सीपिटल बोन और ऑक्सीपिटल लोब कहलाता है। अगेन साइड व्यू से हमें क्या है, क्योंकि ये पोस्टीरियरली यू थोड़ा सा कर्व होके आया हुआ होता है, तो ये सेरिबेलम पड़ा हुआ है, और ये हमारे पास कानों के ऊपर वाला जो रीजन होता है, दैट इज़ टेम्पोरल लोब। तो ये बस आपको हल्का हल्का सा न्यू हाउन देनी थी, तो ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं। इस डायग्राम को हम तब देखते हैं जब हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। अगला हमारा टॉपिक है सेरिबेलम। देखिए सेरिबेलम का वर्ड ही
सेरिबेलम, बेलम मीन्स बैलेंस, ये जो वर्ड है ना बेलम, इसका मीन्स है बैलेंस, तो सेरिबेलम का वर्ड ही बैलेंस से निकला है, यानी कि ये बॉडी में जितनी भी जगह पर बैलेंस वगैरह की जरूरत होगी वहाँ पर इसका बड़ा मेजर रोल आएगा। आपने स्कल की एनाटॉमी पढ़ी है तो आपने एंटीरियर क्रैनियल फोसा, मिडल क्रैनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा भी पढ़े हुए होंगे। अगर नहीं पढ़े तो भी कोई मसला नहीं है, ब्रेन स्टेम का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं दैट वॉट आर एंटीरियर क्रैनियल मिडल फोसा, ये फोसाज क्या होते हैं, और स्कल के फोसाज अगर आपने नहीं पढ़े तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर लाजमी ले लीजिएगा, उसमें बहुत मेजरली मैं सारा डिस्क्राइब करूँगी आपको, सही है, फिजियोलॉजिकली भी एनाटॉमिकली भी। यहाँ पर वो कहते हैं द सेरिबेलम लाइज विद इन द पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा। अच्छा बेसिकली अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ये अगर हम स्कल है ना, ठीक है, स्कल को मैंने क्या किया, ये पकड़ा स्कल को और मैंने ऊपर से उसकी जो उसको था ना टॉप व्यू से उसको हटा दिया है, जब मैंने उसको हटाया तो अंदर से जो स्कल यूँ पड़ा हुआ था यूँ, ठीक है, ये जो रीजन मेरे पास निकला है ना इस चीज़ को मैं डिस्क्राइब करूँगी कि अब इस फोसा के अंदर तीन बेसिकली और फोसाज होते हैं, ये मैंने उस टॉप व्यू को यूँ दिखाया, ठीक है, इसमें तीन मेजरली और फोसाज होते हैं, ये स्कल का इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ठीक है, और ये दोनों लेटरल साइड्स हैं, दरमियान में मीडियल ऑब्लिक, सही है। तो एंटीरियरली जो हमारे पास एक फोसा होता है, जगह होती है, एक डिप्रेशन होती है, उसको मैं एंटीरियर क्रैनियल फोसा कहती हूँ, ये हमारे पास मिडल क्रैनियल फोसा आ जाता है और ये हमारे पास पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा आ जाता है। तो पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा, और अगर हमने यहाँ भी देख लिया पीछे डायग्राम्स में भी कि जो सेरिबेलम है हमारे पास, जो सेरिबेलम है वो कहाँ हमारे पास पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है, वैसे भी पोस्टीरियरली है और फोसा भी पोस्टीरियर है, ठीक है, तो ऑफ द स्कल पोस्टीरियर टू द पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, हमें पता है पोन्स और मेडुला दोनों के पोस्टीरियरली पड़ा होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू लेटरली प्लेस्ड हेमिस्फीयर कनेक्टेड बाय द मीडियन पोर्शन। ये देखें दो सेरिबेलम है लेफ्ट और राइट, ठीक है, और ये कनेक्ट किससे हुए होते हैं, मीडियन पोर्शन कॉल्ड द वर्मिस, इधर वर्मिस, अच्छा वर्मिस की जो डायग्राम है ये मैं आपको आगे नेक्स्ट चल के दिखाती हूँ, सही है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये देखें इस तरीके से इसका एक पार्ट और इस तरीके से इसका दूसरा पार्ट, और इनके दरमियान में ये इस तरीके से एक फ़ाइबर होती है जो इसका लेफ्ट और राइट जो हमारे पास पोर्शन है ना उसको कनेक्ट करती है, ठीक है, इन दोनों पार्ट्स को हमारे पास कनेक्ट कर रही होती है, और ये इसके दरमियान में जो ये पोर्शन है ना, ये जो फाइबर का एक ट्रैक है, स्टॉक है, ये इसको हम वर्मिस कहते हैं, सही है। द सेरिबेलम इज़ कनेक्टेड टू द मिड ब्रेन बाई द सुपीरियर सेरिबेरल पोटेंशियल्स। अच्छा जैसे मैंने पीछे आपको न्यूक्लियस का बता दिया, तो अब अगेन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आती है कि दैट वाट आर द पोटेंशियल्स, पोटेंशियल्स आर बेसिकली अगेन फाइबर्स या कलेक्शन ऑफ फाइबर्स, कलेक्शन है फाइबर्स की जो एक स्ट्रक्चर को एक ही पार्ट के दो जो हिस्से होते हैं, जैसे कि सेरिबेलम है, सेरिबेलम के दो हैं, लेफ्ट पार्ट भी है और राइट पार्ट भी है, उन दोनों को कनेक्ट कर रहे हमेशा, या डिफरेंट ब्रेन में दो डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करे, जैसे कि मिड ब्रेन को पोन्स से, पोन्स को सेरिबेलम से, पोन्स को मेडुला से, मेडुला को सेरिबेलम से, तो ये जो ऐसे फाइबर्स जो ब्रेन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को जो ऑलमोस्ट करीब पड़े हुए हों उन्हें आपस में जब कनेक्ट करती है तो हम उसको पेडेंकल्स कहते हैं, ये कनेक्शन है, कनेक्टिंग फाइबर्स हैं जो हमारे पास एक दूसरे स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो कहते हैं सेरिबेलम इज कनेक्टेड टू द मिड ब्रेन बाय द सुपीरियर सेरिबेलल पेडेंकल। ओके यहाँ देखें पहले वो लिखता है द सेरिबेलम इज कनेक्टेड टू द मिड ब्रेन बाय द सुपीरियर सेरिबेलल पेडेंकल्स। अब यहाँ पे आपको समझाने का मकसद क्या है, ये देखें ये मैं बना रही हूँ मेरे पास सेरिबेलम, ठीक है, ये इंटीरियर व्यू है ब्रेन का, सही हो गया, यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है मिड ब्रेन, उसके बाद नीचे मेरे पास आ जाता है पोन्स और उसके बाद मेरे पास आ जाता है मेडुला और मेडुला से नीचे स्पाइनल कॉर्ड चली जाती है, ऐसे ही है बस। ये देखें ये मेरे पास दोनों साइड्स पे पड़े हुए हैं सेरिबेलम, ये हमारे पास मिड ब्रेन है, पोन्स
और ये मेडुला, ठीक है। अब वो स्ट्रक्चर, ये मेरे पास सेरिबेलम है और ये बोन्स है, वो फाइबर्स, वो तमाम फाइबर्स जो सेरिबेलम को मिड ब्रेन से कनेक्ट करती हैं, ठीक है, ये मेरे पास आ जाती है सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स, जिसने सेरिबेलम को सुपीरियरली कनेक्ट कर दिया किससे, मिड ब्रेन से। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट वो लिखते हैं एंड टू द पोन्स बाय मिडल सेरिबेलर पेडंकल, ये देखिए ठीक है। इसी तरीके से कुछ फाइबर्स ऐसी होती हैं साइड्स पर जिन्होंने दोनों साइड से हमारे पास सेरिबेलम को कनेक्ट किया होता है पोन्स के साथ। इन जो फाइबर्स हैं इनको मैं नाम देती हूँ मिडल सेरिबेलर पेडंकल्स का, ठीक है। और थर्ड में वो कहता है वो फाइबर्स जो हमारे पास मेडुला के साथ कनेक्ट करती हैं, दीज आर इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स। आई होप कि अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर पेडंकल्स क्या है। हमारे पास वो फाइबर्स जो हमारे पास सुपीरियरली कनेक्ट करता है मिड ब्रेन को सेरिबेलम से, दीज आर सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स, दीज आर मिडल सेरिबेलर पेडंकल्स और दीज आर इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स। और साथ ही साथ ये ही जो हमारे पास मिड ब्रेन से लेकर मेडुला तक का पूरा रीजन है, इसको मैं पेंसिल से आपको मार्क करके बताती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा रीजन, ये हमारे पास बनता है ब्रेन स्टेम। मैंने आपको पीछे भी बता दिया ये ब्रेन स्टेम का रीजन बनता है। ये सेरिबेलम है जो पोन्स और मेडुला के ऑलमोस्ट पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है, ठीक है, और इनके साथ कनेक्शन जो बना रहा है फाइबर्स हमारे पास पेडंकल्स, जिनको हम कहते हैं सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स, मीडियल सेरिबेलर पेडंकल्स और इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स। अब आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब वो चैप्टर में क्या कह रहा है। द पेडंकल्स आर कंपोज ऑफ लार्ज बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स, जैसा कि मैंने इस पिक्चर में भी आपको दिखा दिया, लार्ज नंबर ऑफ नर्व फाइबर्स हैं, लार्ज बंडल्स हैं, कनेक्टिंग द सेरिबेलम टू द रिमेनर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ऐसा ही है, बाकी रिमेनिंग जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है उस पूरे एक साथ कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। द सर्फेस लेयर ऑफ ई सेरिबेलम हेमिस्फीयर इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, ये जो हमने सेरिबेलम बनाया ना, ठीक है, इसको सरफेस पर इस तरीके से एक लेयर ने पूरा कवर किया हुआ होता है, जैसे ब्रेन के सेरिब्रम को किया जाता है इसी तरीके से सेरिबेलम को भी किया होता है, और इस हम सरफेस को कहते हैं कॉर्टेक्स। एंड इज कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर, हमें क्योंकि पता है जो ब्रेन हमारे पास होता है, मैंने आपको शुरू में लेक्चर्स में बता दिया था, जो हमारे पास ब्रेन होता है उसमें हमारे पास आउटसाइड ग्रे मैटर होता है, ठीक है, तो क्योंकि ये ब्रेन का ही पार्ट है तो इसलिए सेरिबेलम के भी ये जो कॉर्टेक्स लेयर है ये ग्रे मैटर कहलाती है, ग्रे मैटर से बनी हुई होती है। द सेरिबेलर कॉर्टेक्स इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स और फोलिया, अब अगेन यहाँ पर इस पिक्चर में आप समझें, ये देखें ये जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर भी है इसमें भी बहुत सारे फोल्ड्स हैं, बहुत सारी लेयरिंग हुई हुई है, ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, फोलिया का या फोल्ड्स का, सही है। सेपरेटेड बाई क्लोजली सेट ट्रांसवर्स फिशर्स, अच्छा अब अगेन दो बातें हैं, एक हमारे पास होता है फिशर और एक हमारे पास होता है फोल्ड, ठीक है। अगर मैं आपको यूँ बताऊँ जस्ट फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के लिए, तो ये जो इसका ये रीजन है, दिस इज ठीक है, ये जो ऊपर वाली साइड पे हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं ये हमारे पास होते हैं फोल्ड्स, जो हमारे पास उभरी हुई रिज लाइक चीज़ होती है ये हमारे पास फोल्ड कहलाती है, और ये जो इनके दरमियान में ये डिप्रेशन आती हैं इनको हम कहते हैं फिशर्स, जिन्होंने इन्हें ब्रेक किया होता है, इनके दरमियान में डिस्टर्बेंस या डिसकंटिन्यूटी जहाँ पे आती है फोल्ड्स में, वहाँ पर उस जगह को हम कहते हैं फिशर, ठीक है। तो ये चीज़ भी क्लियर होना ज़रूरी थी, ये देखें दोबारा समझ लें, ये जो ऊपर उभार सा निकला हुआ है ये फोल्ड होता है, और इनके दरमियान में ये जो डिसकंटिन्यूटी आती है इसको हम फिशर का नाम देते हैं, सही है, इतना काफ़ी है, ओके। नेक्स्ट वो हमारे पास कहते हैं सर्टेन मासेज ऑफ ग्रे मैटर आर फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द सेरिबेलम एम्बेडेड इन द वाइट मैटर,
अब वो कह रहे हैं, ये देखें इस पिक्चर में दोबारा देखें, आउटसाइड पे ये जो हमारे पास ये रीजन था कॉर्टेक्स का, ये सारा ग्रे मैटर से मिलकर बना हुआ था। ये जो ग्रे मैटर है इसके अंदर कुछ हमारे पास इंटीरियरली दरमियान में इनके क्या आता है, कुछ वाइट मैटर भी अंदर घुसा हुआ होता है। ये मैं आपको पिक्चर से भी दिखाती हूँ, ये देखें इधर देखें, ये देखें ये सेरिबेलम का क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। ये हमारे पास पूरा सेरिबेलम है, ये सेरिबेलम का आउटसाइड सारा क्या होता है हमारे पास ग्रे मैटर, और ये वाला आउटसाइड सारा, ठीक है, और ये अंदर अंदर सारा क्या है वाइट मैटर। अब ग्रे मैटर का कुछ जो पार्ट है ना, ये वाला, ये देखें ग्रे मैटर का कुछ पार्ट वाइट मैटर में भी घुसा हुआ होता है। ये आपको नज़र आ रही है चीज़, ये ग्रे मैटर का पोर्शन है जो वाइट मैटर में एम्बेडेड है। इस चीज़ को हम नाम देते हैं डेंटेट न्यूक्लियस का, क्या नाम देते हैं, डेंटेट न्यूक्लियस, सही है। अभी थोड़ी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते जाएं, डिटेल हम सब की पढ़ेंगे तो आपने परेशान नहीं होना, अगर समझ नहीं आ रही इसको रिवाइज कर लें, लेकिन इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना। हमने क्या पढ़ा कि इसकी आउटर मोस्ट लेयर कॉर्टेक्स होती है, उसके ऊपर फोल्ड्स होते हैं और वो ग्रे मैटर की बनी हुई होती है, ठीक है। इसका जो ग्रे मैटर है इसका कुछ पार्ट इंटीरियरली क्या होता है वाइट मैटर में एम्बेड किया गया होता है, अंदर घुसा हुआ होता है, जिसको हम डेंटेट न्यूक्लियस का नाम देते हैं, सही। उसके बाद कहते हैं द मेडुला ऑब्लोंगेटा पोन्स एंड द सेरिबेलम सराउंडेड बाय अ कैविटी फिल्ड विद स्पाइनल सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कॉल्ड द फोर्थ वेंट्रिकल। ये देखें ऊपर पिक्चर में, ये जो हमारे पास पोन्स, मिडब्रेन पोन्स और मेडुला, ठीक है, मिडब्रेन पोन्स मेडुला और सेरिबेलम, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको जिस कैविटी में नज़र आ रहे हैं, ये देखें ये जो कैविटी है, अब मैंने क्रॉस सेक्शन में काटा हुआ है तो दूसरी तरफ से भी ये दोनों साइड से यूं इस कैविटी ने इसको कवर किया हुआ है। इस कैविटी में एक तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा, क्योंकि हमें बताएं एक कैविटी बना कौन सी लेयर रही हैं, मेनिंजीज, तो मेनिंजीज में तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता ही है। दूसरा साथ वो कह रहे हैं ये हमारे पास बनाते हैं कैविटी फोर्थ वेंट्रिकल की, देखो एक ये ट्रायंगुलर सा रीजन आपको नज़र आ रही है, ठीक है, और एक ये इस साइड का है एक दूसरी साइड का, तो ये मिलकर एक यूँ इस तरीके से कुछ कैविटी बना देते हैं, और ये जो कैविटी होती है इस कैविटी को हम फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं। अब वेंट्रिकल क्या है और इसकी कैविटी क्या है, ये क्यों होती है, ये भी मैं आगे आपको सारा डिस्क्राइब करती हूँ। अभी आप समझ लें एक कैविटी है ब्रेन के अंदर जिसको हम वेंट्रिकल का नाम दे रहे हैं, सही है। फोर्थ वेंट्रिकल दिस इज कनेक्टेड सुपीरियरली टू द थर्ड वेंट्रिकल बाय सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ये देखें ये जो हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल है ना, और अगर हम यहाँ पे ढूंढें अपने पास थर्ड वेंट्रिकल, ये जो रीजन है ना ऑलमोस्ट थैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे पास होते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये थैलेमस का रीजन है, ये जो स्पेस है ना, बेसिकली वेंट्रिकल हम एम्प्टी स्पेसिस को कहते हैं ब्रेन में, सही है। ये जो स्पेस है ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल है। थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान में ये जो रीजन है जो इनको कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एक मिनट पिक्चर को जूम करते हैं, सही है। अब देखें एम्प्टी स्पेसेस ब्रेन में हमारे पास वेंट्रिकल्स कहलाती हैं, पहली दो वेंट्रिकल्स अभी मैंने ही डिस्कस करी, थर्ड वेंट्रिकल ये होती है एंड दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल। ये फोर्थ वेंट्रिकल किस तरीके से बनती है, पोन्स मेडुला और मिड ब्रेन और सेरिबेलम पूरे के दरमियान जो मेनिंजीज ने एक स्पेस क्रिएट की थी, ये कुछ स्पेस यहाँ वाली और दूसरी स्पेस इसके ऑपोजिट आकर जब लग जाती है तो ये पूरी एक कैविटी बन जाती है, इसमें हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी होता है, यहाँ पे भी सेम यही कंडीशन है। ये जो थर्ड वेंट्रिकल है और ये जो हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होती हैं एक रीजन के थ्रू, ये एक छोटी सी हमारे पास कनाल या कैविटी या ट्यूब की तरह जगह आती है, जिस जगह को हम नाम देते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट। क्या नाम देते हैं, एक्वेडक्ट, एक्वस के लिए या किसी लिक्विड या किसी फ्लूइड के लिए डक्ट, और सेरिब्रल सेरिब्रम, सेरिब्रम से आती हुई ये बना रही है, और एक्वेडक्ट कोई भी फ्लूइड को लेके जाने के लिए कैविटी, सही हो गया। हमने पढ़ लिया हमारे पास जो सेरिबेलम होता है इसके फोल्ड्स बने हुए होते हैं कॉर्टेक्स के ग्रे मैटर के, इसके कुछ पार्टिकल जो हैं वो हमारे पास वाइट मैटर के अंदर घुसे हुए होते हैं जिन्हें हम डेंटेट न्यूक्लियस का नाम देते हैं, उसकी पिक्चर मैंने आपको आगे दिखा दी है।
फिर वो कहते हैं जो हमारे पास सेरिबेलम पोन्स मेडुला है इन सब ने एक कैविटी क्रिएट की हुई होती है जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पड़ा होता है, जिसको हम फोर्थ वेंट्रिकल का नाम देते हैं। इसी तरीके से ऊपर भी एक वेंट्रिकल होती है जिसे थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं। ये जो थर्ड वेंट्रिकल है फोर्थ वेंट्रिकल के साथ एक एरिया या एक स्ट्रक्चर एक स्पेस के थ्रू कनेक्टेड होती है, जिस स्पेस को हम सेरिब्रल एक्वेडक्ट ऑफ मेडब्रेन का नाम देते हैं। सही है, आपको जितनी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है आपने उतनी ले लेनी है और इसको कंटिन्यूस करना है। इन्फीरियरली इट इज़ कंटिन्यूस विद द सेंट्रल कनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इट कम्युनिकेट्स विद, ओके ये देखिए अगेन इधर समझे, ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है ना, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है, ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से चलना शुरू हो जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड और ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है इन्फीरियरली जब ये नीचे आती हैं, नीचे आते हुए क्या होता है इनका कनेक्शन बन जाता है फोर्थ वेंट्रिकल हमारे पास और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों, ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है ये ऑलमोस्ट स्पाइनल कॉर्ड में स्पेस बनाती हुई चली जाती है और इसकी सेंट्रल कनाल या सेंट्रल कैविटी के अंदर कंटिन्यूस हो जाती है। पिछली पिक्चर में हमने पढ़ा था सेंट्रल कनाल, दिस इज सेंट्रल कनाल, सही है, इस सेंट्रल कनाल के साथ कनेक्ट हो जाती है हमारे पास ये फोर्थ वेंट्रिकल, इसके अंदर इस तरीके से कुछ एंटर हो जाती है ये हमारे पास। अगर मज़ीद इसका क्रॉस सेक्शन पढ़ेंगे तो मैंने समझ आ जाएगी, आगे ब्रेन स्टेम में हमने सारा क्रॉस सेक्शन पढ़ना है तो वहाँ आपको बड़ा और क्लियरली सारी चीज़ें डिस्क्राइब हो जाएंगी। सही है, फिर वो कहते हैं इट कम्युनिकेट्स विद द सबऑर्गनॉइड स्पेस थ्रू थ्री ओपनिंग्स इन द इंफीरियर पार्ट ऑफ द रूफ। इधर देखिए, अच्छा पहले यहाँ पर आप थोड़ा सा फोर्थ वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर दोबारा से देख लें। ये हमारे पास मिडब्रेन है, दिस इज पोन्स, ये हमारे पास मेडुला है, ये तीनों स्ट्रक्चर क्या पड़े हुए हैं इंटीरियरली, इसके पीछे पड़ा हुआ है ये सारा सेरिबेलम, ठीक है, ये सेरिबेलम और ये मिडब्रेन के दरमियान में ये जो हमें रीजन नज़र आ रहा है दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल, कैविटी है फोर्थ वेंट्रिकल की, ठीक है, और इसको ये वाली जो जगह से यहाँ से ही जगह यूं ऊपर जाते हुए क्या बनाती है थर्ड वेंट्रिकल के साथ कनेक्शन, और इसको हम सेरिब्रल एक्वेडक्ट का नाम देते हैं, ठीक है। और ये देखो, और ये यहाँ से जब नीचे आती हुई है ये देखें स्पाइनल कॉर्ड कुछ इस तरीके से नीचे को आती है इस डायरेक्शन में, और ये इसकी क्या बना देती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंट्रल कनाल। सही है, तो ये जो हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें पीछे देखनी थी वो पहले मैंने बता दी। अब वो कहते हैं ये जो इट कम्युनिकेट्स विद द सबआर्कोनॉइड स्पेस थ्रू थ्री ओपनिंग्स इन द इंफीरियर पार्ट ऑफ द रूफ, इस बात का मतलब ये है ये जो हमारे पास सेरिबेलम है ना, सेरिबेलम नीचे जब आके कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड वाले रीजन से ये तीन ओपनिंग्स के थ्रू इंफीरियर पार्ट रूफ के बनाता है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। तो ये जो हम ब्रेन स्टेम पढ़ेंगे ना वहाँ पे आपका ये इस बात का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको एज इट इज़ लीव करते हैं, क्योंकि इस बात को समझने के लिए पहले हमें सारी ओपनिंग्स सारी लेयर्स और सारे स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए जो अभी हम ब्रेन स्टेम में पढ़ेंगे। तो इसलिए फिलहाल इस बात को यहाँ लीव अपॉन इट, थ्रू दीज ओपनिंग द सेरिब्रोस्पाइनल कॉर्ड विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन एंटर द सबआर्कोनॉइड स्पेस। अब इस स्पेसिस का फ़ायदा क्या होता है, बेसिकली ये जो ओपनिंग्स होती हैं ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसकी सबआर्कोनॉइड स्पेस में एंटर होने में हेल्प कर रही होती हैं। तो इन ओपनिंग्स का इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ वहाँ पर हमारे पास ओपनिंग करवाती है पूरे तरीके से ताकि हम ईजिली वहाँ पर सारी न्यूरिशमेंट और न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड कर दें। नेक्स्ट हमारे पास बड़ा ही छोटा सा स्ट्रक्चर है ब्रेन का जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है मिड ब्रेन, मिड है द ब्रेन के दरमियान में, मिड ब्रेन इज द नैरो पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन टू द हाइंड ब्रेन, बेसिकली बच्चों वाली बात है, द नैरो कैविटी ऑफ द मिड ब्रेन इज द सेरिब्रल एक्वेडक्ट, अभी हमने पढ़ लिया। ये हमारे पास मिड ब्रेन का पोर्शन है, दोबारा देख लें क्लियर हो जाएगा, दिस इज़ अ पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन का ही एक नैरो सा पोर्शन है जिसको हम सेरिब्रल एक्वेडक्ट का नाम देते हैं, ठीक है। ये क्या करती है सेरिब्रल एक्वेडक्ट विच कनेक्ट्स द थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल, हमने पढ़ लिया ये थर्ड वेंट्रिकल, यहाँ पे हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल होती है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, इन दोनों को सेरिब्रल एक्वेडक्ट कनेक्ट कर रही होती है। विच द मिड ब्रेन कंटेन्स मैनी न्यूक्लियाई एंड बंडल्स ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व फाइबर्स, हमने पढ़ा हमारे पास सबसे पहले आया था मेडुला दैट कंटेन्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व फाइबर्स ऑफ विच हैव मैनी न्यूक्लियाई, फिर उसके बाद पोन्स पढ़ा उसमें भी असेंडिंग डिसेंडिंग फाइबर्स और न्यूक्लियाई होते हैं। इसी तरीके से मिड ब्रेन यानी कि ये पूरी जो चीज़ हमारे पास चलती आ रही है इसमें बेसिकली मैंने बताया था वो असेंडिंग ट्रेंस स्पाइन कोर्स के होते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो वो असेंडिंग और डिसेंडिंग फाइबर्स इन्हीं तीन स्ट्रक्चर से गुजर के तो ब्रेन तक जा रहे हैं, और जहाँ पर इनकी कलेक्शन ज़रा इकट्ठी हो जाती है तो उसको हम न्यूक्लियस का नाम दे देते हैं कोई स्पेसिफिक उसका पार्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास अगेन ये सेम बात है कि मेडुला में भी आएगी, आएगी पोन्स में भी आएगी, और उसके बाद हमारे पास मिड ब्रेन में भी ऑब्वियसली आएगी, उसके बाद वो रिले करेगी वो एंटर हो जाएगी किसमें अपर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन।